नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुगर, डायबिटीज़। हम पहले भी इस पर वीडियो बना चुके हैं दोस्तों। शुगर डायबिटीज़ जो है वह राजरोग है, आरामदेह ज़िंदगी जीने वाले को होता है। जो व्यक्ति श्रम में विश्वास नहीं करते हैं, हमेशा आरामदेह ज़िंदगी जीते हैं। यह आधुनिक समाज का एक जाना पहचाना अतिथि रोग है। जो लोग काम करने से बिल्कुल हिचकते हैं या काम करने में शर्म करते हैं, श्रम करने में शर्म करते हैं, उन लोगों को यह रोग होता है। दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप श्रम कीजिए ही। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका श्रम का कार्य है ही नहीं, आरामदेह उनका वर्क है। तो उस अनुसार आप डाइट भी ले, भोजन भी ले। भोजन करेंगे जो मेहनत करते हैं, जो श्रम करते हैं उनके तुलना में, और मेहनत नहीं करेंगे तो डायबिटीज़ तो होना ही होना है, शुगर रोग तो होगा ही होगा। इसलिए अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप उसके अनुकूल बिल्कुल हल्का भोजन करें जो आसानी से पचे भी और बॉडी में एक्स्ट्रा ना बन पाए। अगर शुगर का लेवल बनेगा, आप खाएंगे खूब, मेहनत नहीं करेंगे, तो फिर परेशानी तो बनेगी ही। दोस्तों, किंग कॉलेज एंड हॉस्पिटल लंदन के सुप्रख्यात डॉक्टर माइकल एडमंडस के कथनानुसार आंकड़े बताते हैं कि भारत में 2025 आते आते मधुमेह रोगियों की संख्या 5 करोड़ से ऊपर हो सकती है। उनके कथनानुसार 95% रोगी अलग अलग डायबिटीज से ग्रसित हैं। पहले 50 वर्ष पार करने के बाद लोगों को डायबिटीज होता था, अब 30 पार करने के बाद नॉर्मल डायबिटीज बढ़ती जा रही है, 10 के बाद भी डायबिटीज होते जा रहा है। दोस्तों, यह काफ़ी चिंतन करने की विषय है। मूल चीज़ यही है, डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। आप जिस तरह के वर्क करते हैं उस तरह का भोजन लेना चालू कर दें तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ अनबैलेंस होगा भोजन में, आपके डाइट में अनबैलेंस होगा तो फिर डायबिटीज़ से ग्रसित तो आपको होना ही होना है। दोस्तों, डायबिटीज़ के बहुत सारा कारण हैं, जैसे यह अनुवांशिक भी होता है। आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, आपके मामा मामी को अगर है तो आपको भी हो सकता है। दूसरा है व्यवसाय, आप मानसिक ग्रसित रहते हैं, ज़्यादा टेंशन लाइज रहते हैं तो भी शुगर लेवल आपकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, मोटापा, अधिक अगर बॉडी में वजन बढ़ गई, मोटापा आ गई तो भी शुगर लेवल बढ़ने की चांस अधिक है। नेक्स्ट, आहार, आहार तो मुख्य है। अगर आप आहार, संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो शुगर तो होना ही होना है। दोस्तों, तनाव और दबाव, यानी कि चिंता ग्रसित व्यक्ति, छोटी छोटी बातों पे अगर आप हमेशा टेंशनाइज रहते हैं या बिजनेस व्यापार को लेकर टेंशनाइज रहते हैं तो शुगर लेवल आपकी बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट, अंतःस्रावी ग्रंथि में विकृति, सूजन आ जाना, पेनक्रियाज में समस्या उत्पन्न हो जाएगी तो भी आपको शुगर लेवल बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके टॉप 5 मदर टिंचर पर, जो शुगर को हमेशा हमेशा के लिए कंट्रोल करके रखती है। दोस्तों, सर्वप्रथम यूरेनियम नाइट्रिकम क्यू पोटेंसी।
मदर टिंक्चर, सेकेंड सीजीजियम जेम्बुलियम क्यू, एसिड फॉस क्यू, एब्रोमा अगस्टा क्यू और फाइव अर्जेंटम मेटालिकम क्यू। यह पांच मदर टिंक्चर है जो शुगर में बेहतरीन वर्क करती है। आप इसे अलग अलग भी ले सकते हैं, 10-10 बूंद सुबह शाम, या इन पांचों को मिलाकर भी आप 20-20 बूंद तीन टाइम आधे कप पानी में ले सकते हैं। दोस्तों वैसे बिना सलाह के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शुगर का अलग अलग लक्षण है। अगर उसकी परेशानी अलग ढंग से है तो दवाई अलग ढंग से चूज की जाती है। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही दवा लें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।